बारिश भी आ गई है, साथ में आ गए हमारे पास नाक। वैसे मैंने ऑलरेडी कर दी है लेकिन चले वीडियो के लिए दोबारा साथ। ये तो इन्होंने खत्म भी कर दी, मुझे पता नहीं लगा ये है क्या यार, ये तो बता दो फिर। नहीं वैसे ये सौगात बहुत स्पेशल होती है भाई। है कौन है जितनी वजह तो खाता हूँ। सबसे पहले से मदद कर लेते कि बारात पे जब हम इस बने ज्वाइन कर सके, तो वही में भी हम आ गए। ठीक है, फोन हो गया ना भाई, आराम से झटके नहीं लगाओ जी। ये एक मुश्किल तरीन काम था, ओए एडी के नीचे से कर लो ना, उल्टी पे ना आ दी है, जाने दो आप। नहीं उतारो, नहीं सीधी है ये देख, उल्टी है ये देख, उल्टी किस तरह उल्टी है, डिजाइन चेक करो कढ़ाई। ये मेरा पैर मोटा हो गया, कोई हाल नहीं आसिम आपका, सीधे उल्टे का पता नहीं चला आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे, आज के ब्लॉग में आप खुशामदीद कहते हैं। आज हम जा रहे हैं वलीमा पे, मैं और मेरे साथ हैं तलहा मुश्ताक। अस्सलामुअलैकुम। अभी हम रिसीव करेंगे रस्ते में से दो लड़कों को और को, और फिर इंशाल्लाह सभी जब वो मिल के जाएंगे वलीमा पे। और मेरी ड्रेसिंग बताएं कैसी, वैसे मैंने टाई ले ली है पर मैं कन्फ्यूज हो रहा था कि टाई पहनूं या ऐसे रहने दूं। मुझे फिर आसिम ने सजेशन दिया कि जो है वो ऐसे खुला रहने दे, एक तो ये कि आप जा वलीमे पे रहे बारात हो तो इतने टशन मशन जो है वो जरा अच्छे लगते हैं, मतलब टाई से ही पहन के कोट शूट टाइट मेट करके। लेकिन ये कि वलीमे पे जा रहे हैं तो वलीमे पे जाओ मेरा ख्याल सादा ही है, और इसको देख के तो वाकई मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ये भी उतार देना चाहिए। क्या ख्याल है तला, ये भी उतार देना चाहिए। हाँ तो उतार देते हैं ये भी, लेकिन अभी मैं उतार नहीं सकता, उतर के उतारेंगे। मुझे लगा सीरियस कह रहा लड़का, पर नहायत जुगत बात है। रोड का सफर हमारा स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है अल्लाह ताला जो हमारा सफर आसान करें और हमारे लिए जो आज की सारी चीजें बेहतर करें। फाइनली जी लड़के आ गए हैं साथ, और भाजी बहुत इंतजार तो नहीं करना पे यार, 500 रुपया लगा इस भाई का आपके इंतजार में। तेल पवानत की वजह से तेल पवान लग भी ता भी 5 मिनट उत्ते लग गए, 5 मिनट दो दिन लगे भाई, तुहानू नहीं पता अहमद भाई जेब च तेल पा के घूमते। अल्हम्दुलिल्लाह सभी साथी इकट्ठे हो गए, अब जो हम गामजन है हॉल की तरफ, होप सो काफी मजा आने वाला है इंशाल्लाह, जितना भी मजा आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गखड़ जो कि हमारे एरिया से नेक्स्ट एरिया है, और ये जो है वो तकरीबन मिड ऑफ द वे है हमारा, इतने ही हमने तकरीबन आगे जाना है और फिर हम लोग जो है वो हॉल तक पहुंचेंगे। रोडों की रौनक जो है माशाल्लाह काफी ज्यादा, क्योंकि हम लोग जो है उस टाइम ट्रेवल कर रहे हैं ड्यूटी रोड के ऊपर। तो ले जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हॉल के अंदर, हमारी प्राडो भी आ गई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके ओ इधर दे हुए अच्छा ही तो खैर है, अब आई है मूवी नहीं है रियल लाइफ है, इधर ले आ ड्रामे ना ला यार, मैं तुझे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह बड़ी मोटिवेशन है आपकी सर, थैंक यू। हमारा लड़का जो है वो भी लेट है, तो हमारा ज्यादा ये बन रहा है कि हम लोग जाके बैठते हैं, वो भी जो जल्दी आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सीटें कम पड़ जाएं, मैं तो खड़ा भी नहीं रह सकता ज्यादा टाइम। सबसे पहले से मदद कर लेते कि बारात पे जब हम इस पर नहीं ज्वाइन कर सके, तो वली में भी हम आ गए। फोन हो गया ना, अच्छा वो बारात ही है वली में, और तबीयत खराब ना फैल बैठ के, आपको बारात भी मुबारक हो रात वली में भी, अल्लाह ताला लड़की के नसीब अच्छे करें, किसके पता पड़ गया सॉरी मुझे लग रहा था यहाँ पे जो है वो काफी रश रुश होगा, सीटें वगैरह लगी होंगी, लेकिन यहाँ पे तो कहीं भी नहीं लगता, मैं अकेला ही आ गया हूँ। और नहीं बल्कि वो भी दरवाजा है, वक्त हुआ जाता जी दुल्हा और दुल्हन की एंट्रेंस का, और ये इवेंट भी जो है वो काफी खास होता है, बहुत सारे लोग जो है उसका शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं कैप्चरिंग कर सकूं, लेकिन 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 लेकिन, लेकिन मैं बैठा हुआ था साइड पर, उठ के जाना जाए वो बहुत मुश्किल था। लाइव एग्जांपल देख लीजिए, जहाँ पंजाबी बैठे होते हैं पंजाबियों के हाथ जो है वो सपोर्ट नहीं रहते, इसके काम चेक करें सारा टिश्यू जो है उसने बर्बाद कर दी। सीरियस
सैलड्स तकरीबन आ गई सबके लिए और खाना जो है वो शुरू हो गया। मेरा ख्याल सैलड पहले इसलिए दिया था कि हम थोड़ा खाना खाएं, ऐसी बात है। सैलड एंजॉय करते करते हमारे पास आ गया है जी रोस्ट मशरूम, बहुत ही मजे। सभी हजरात माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं खाने के अंदर और कंपनी जो है एक दूसरे की इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अर्से बाद जब सभी एक दूसरे को मिल रहे हैं। वेज भी आ गई है, वन ऑफ माई फेवरेट फूड। साथ में आ गए हमारे पास नान, नान नान भी ऐसे काफ़ी मजे के हैं ना, वैरायटी है नानों में, सेम नहीं है ना, डिफरेंट वैरायटी है। तो ले जी हम लोग जो है वो शुरू करते हैं अपना प्लेटर तैयार करना। तो ये हो गया नान, साथ में हम लोग लेते हैं थोड़ा राइस। इतने से राइस जो है वो काफ़ी है हमारे लिए। ब्रोस भी जो है वो हम टेस्ट कर लेते हैं, वैसे मैंने ऑलरेडी कर दिया लेकिन चले वीडियो के लिए दोबारा साथ में आपको बता देता हूँ कि मजे का कि नहीं। खाता हुआ दिखा अगर बताया तो ज़्यादा अच्छा होता है, पहले जाइए काफ़ी मजे का। और ये चेक करें ये कितने फास्ट हैं, हमसे पहले जाइए सेंट्रल डिश पे पहुँच गए। सारे ताड़े ने जट साहब आधे को चावल खा लिए, अब बाकी का जो पोर्शन है वो हम टेस्ट करेंगे उस गोश्त के साथ। वैसे ये सौगात बहुत स्पेशल होती है और ये जो है मेरी नज़रों से बच रही थी, जिसको हमारे गांव में बोलते हैं रायता। भैया आपका बाजू आगे आगे, आपका बाजू आगे आगे, मैं बढ़ देना ही उन्हें, शुक्र मनाओ मैंने गुस्सा नहीं आया। तो ले जी फाइनली हमारे पास आ गया है खाना भी, वो ड्रोन भी आया हुआ वो देख के सामने। ओह किधर गया ड्रोन, ओ वो रहा, हमने भी इसकी वीडियो बना लिया था कि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि इसने हमारी वीडियो बनाई थी। तो जी अभी हम डालते हैं ये वाला शोरबा, माशाल्लाह सात बोटी भी आ गई है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये खाने का दादा मज़ा आएगा क्योंकि अब ये जो फूड वन ऑफ माई फेवरेट बन गई है, मज़ा आने वाह। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ क्या आया, पहले मैं देख लें जी फिर ना कहना मैंने दिखाया नहीं। तो ये है क्या कस्टर्ड है कि फिर नहीं, अब खाएंगे तो पता लगेगा कि ये है क्या फूड व्लॉगर, ये है क्या दही भल्ले। रमजान भाई आपको क्या लग रहा है ये, इधर इधर ज्यादा सारा प्लेट ना उठा दी कपड़े खराब हो जाएंगे। तो ले जी रायता भी आ गया हमारे पास, अभी शुरू करते हैं जी नान शरीफ। वैसे नान जो है वो हम इसके अंदर भी खा सकते हैं बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपना सालन जो है वो इसमें डाल के तो यूँ रायता के साथ लगा के और फिर जो है वो खाया जाए मज़े मज़े लेके। खाने में हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, आसिम भाई से पूछे नहीं, आसिम मज़ा आ रहा है कि ना। फाइनली जी मैंने अपनी प्लेट कर ली खाली, अब नया सामान मंगवाते हैं। यार वो नान पकड़ाना भाई, फिर भी नान पकड़ाना, वैसे साथ साथ तारीफ भी हो जाती है अगले बंदे की, खुश हो जाता है साथ काम भी हो जाता है अपना, वाह। तो ले जी ये हमारे पास आगे इस पर धनिया वाला नान, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो इन्होंने ख़त्म भी कर दी, मुझे पता ही नहीं लगा ये है क्या यार, ये तो बता दो फिर नहीं फिर नहीं है फिर नहीं। बोले जी आज माशाल्लाह मैंने तीसरा नान शुरू कर लिया, होप सो कि रात को नींद अच्छी आ जाएगी, ऐसा ना हो कि वो डाइट की वजह से मुझे नींद ना आ जाए। हम इधर अपने खाने में मशगूल हैं और यहाँ पता नहीं क्या 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 आ रहा है। लुकमान भाई ये क्या है आपके सामने, क्या है इसमें, ये चाय है इसमें, चाय ग्रीन टी, ओह माय गॉड विद मिल्क, वाओ विद 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 मी, ओह फिर नहीं पीनी। मेरा पार्टनर यहाँ से उठ के उधर चला गया, लगता है अब दोबारा से शुरू करने के चक्कर में। और लगता है ना तो टिशू भी खा ले, ओ निकल गया टिशू। चले जी चाय आ गई है हमारे लिए स्पेशल वाली, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भाई। मैं तकरीबन खाने के एंड में पहुंच चुका हूँ, मैंने चाय पी मंगवा ली और मुझे याद आया कि मैंने जो वो खीर पी नहीं है, वो बड़ी साहब की मेहरबानी करने मुझे याद करवा दी खानी सी खीर, मेरा दिमाग चाय पेट का है। खीर जो है मैंने खाई को नहीं, बड़ी साहब ने मुझे याद करवाया कि खीर भी खा लो, खीर मंगवा तो लिया, मैं क्या स्पेशल अपने लिए प्लेट भरता रहूं। बड़ी साहब तुसी जड़ी प्लेट छुपाओगे ना मैं उसी खा लांगा जी, ठीक हो ऐसे खा लो। इसको जो है अभी हम इधर रख देते हैं, काफी सोच विचार करने के बाद इरादा ये बना कि खीर को जो है वो हम स्किप ही करते हैं
चाय जो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि चाय भी जो नहीं पी जा रही है मेरे से। चाय में जो चीनी वगैरह कम है थोड़ी, लेकिन चले उन्होंने अपने हिसाब से बनाई, बड़ी मजे की बनी हुई है। और अब यार तू इतना खाता, मैं तेरा नाम ही भूल गया। अल्लाह हाफिज। तकरीबन सभी लोग जा चुके हैं टेबल का हशर नशर करने के बाद, मैं जो तकरीबन लास्ट में। दो कंपेनियन हमारे लेट पहुंचे थे और ये लोग जो मेरी वजह से रुके हुए हैं, हम भी जाओ चलते हैं। लैंड क्रूजर हमारे पास ही है, बस इसका जो ये वाला पेज गिर गया, बस दिन का मिला ही नहीं दोबारा। जबरदस्त इसको जो है वो ऊपर से नीचे बुला लिया सर। खाना ही तो दूर दूर हो गए यार, मैं फाहद ज्यादती तेन साढ़े ना बह के खाना चाहिए सी। ये भी हमारा पबजी पार्टनर है, आसिम भाई भी पबजी पार्टनर है और वो भाई इनके दोस्त हैं। ये भी क्लास फेलो, ये भी क्लास फेलो है। कौन है जिसकी वजह तो खाता हूँ। मेन हाल से बाहर आ गए और यहाँ पे जो फोटो शूट एरिया काफी अच्छे उन्होंने बनाया हुआ है और काफी सारे लोग जो फोटो शूट कर रहे हैं। मैंने भी खींची है अभी अपनी को नहीं खिंचवाई। और ये जनाब भी रेडी हो रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं दूल्हे का। मेनली वेट हम लोग कर रहे थे दूल्हे का, दूल्हा जो वो आया नहीं और उसकी किस्मत क्यों बनी सर, नहीं तो इतने नोट हमने उसके लिए रखे हुए थे। तो अब यकीन है वो वीडियो देखेगा तो जान जाएगा। यहाँ पे बैठ गए तो काफी सारे नोटों की बारिश करनी थी, बड़ा वो मिस कर गया। अब अरमान जो है वो अपने संभालते हुए हम लोग निकलते हैं बाहर। ज्यादा ये था कि बाहर हमें मिल जाता, इनकी दूल्हा जो है वो मिल जाता, तो उसके साथ जो तरह शुरू भी लगता था, लेकिन वो तो आया नहीं है। तो अब हम लोग निकलते हैं बाहर को, क्योंकि उससे जो उन्होंने वापस बुला लिया, क्योंकि इस टाइम जो वो इस पूरी सेरेमनी का स्पेशल बंदा वही है। ड्राइवर को भी बुला लेते हैं अपने। तला भाई चले आ जा। उसकी भी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, उसे पता कि मैंने जो है वो आधे घंटे में जाना है, उसने दो मिनट में आ जाना है, तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ आप चलो तो मैं पीछे पीछे आता हूँ। वैसे सबसे पहला फोटो शूट जो है वो हमारा इस जगह पे हुआ था, मतलब मैंने ही किया था, मेरी कोई नहीं थी यह तस्वीर, लेकिन यह है कि अच्छी खींची थी लड़कों की मैंने। तो बिजनेस जो है वो आपको हर जगह मिल जाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर। बाहर भी माशाल्लाह मौसम जो है काफ़ी मज़े का है, इवन दो हवा नहीं चल रही लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सफ़र हो गए हम लोग वापसी के लिए। दुआ के अल्लाह ताला जो हमारा सफ़र आसान करे और खूब जो इन्जॉय किया हमने। अब चलते हैं वापस घर को। दे दे थले खैर है, वैसे भी इजाफी होना कुछ। कुछ लड़कों को उतार के सवारियां अपनी। अब हम लोग महवे सफर हो गए हैं आगे को, यानी कि अपने घर की तरफ को पहुंच चुके हैं जी घर। उसकी सलामी वाला इनवेलप जब ऐसे वापस आ गया, कपड़े दूसरे मंगवा लिए रफ। भाई शौकत को काफ़ी सारे सवालों के जवाब देके तो अभी मैं हो चुका हूँ फ्री। आसिम साहब को भी मैंने डांट लिया आते साथ, क्योंकि इसमें जो मेरा कैमरा वो उधर रस्ते में रख दिया था। और अब इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें आप। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नई और मज़ा से वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।